सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विशाल शर्मा फिर से आज नई वीडियो के साथ। सो दोस्तों, जैसे कि आज संडे और हर संडे की तरह आज हम भी इस संडे जो है जाने वाले हैं कहीं राइड पे। तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं राइड पे कहाँ जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको आगे बाइक पे बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं बाइक पे। और आज मैं जाने वाला हूँ अपनी धन्नो से, क्योंकि मेरे पैंथर का जो ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे पैंथर की वीडियो देखिएगा, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे पैंथर का ये हाल हो चुका है, जिसकी अब मैं पैंथर से नहीं जाऊंगा और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से चलते अपनी बाइक पे और बाकी ये बातें करते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी बाइक पे आ चुके हैं और अब मैं बता देता हूँ कि आज मैं जाने वाला हूँ पूरा महादेव टेम्पल, जो कि मेरठ से करीब, मतलब कि मेरे घर से जो है 35 किलोमीटर अराउंड पड़ता है और मुझे जाने में करीब एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी होता है। मैं सोच रहा हूँ दूसरे रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि जिस रास्ते से ट्रैफिक कम होता है, बड़ौत वाले रास्ते से। चलिए देखते हैं कहाँ का डिसाइड होता है। तो मैं बता रहा था अपने पैंथर के बारे में। तो गाइस, ऐसा हुआ था कि हमारे एक भैया है, वो उसे लेके गए हुए थे चांदपुर, तो वो वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से आपने वीडियो में देखा होगा कि पैंथर आगे से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसमें काफ़ी खर्चा भी है। एक्चुअली वैसे तो वो इंश्योर्ड है, बट अब मेरा मन कर नहीं रहा उसे इंश्योरेंस में क्लेम कराने का या उसे सही कराने का। मैं सोच रहा हूँ उसे चेंज कर दूँ, तो आप लोगों क्या सजेशन होगा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। तो मैं सोच रहा हूँ उस बाइक को चेंज करके मैं कोई दूसरी बाइक लाऊंगा, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सुपर बाइक लूँ या टूरिंग बाइक लूँ। इन चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज़ हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली बाइक होगी जो कि मैं अपने ट्रैवल के लिए परचेज करूँगा। वैसे तो मैं इसे यूज़ करता था हर जगह और मुझे ये काफ़ी अच्छी भी लगती है, जो कि मेरे बजट में भी आ जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कौन सी बाइक लूँ, कौन सी बाइक लेना ठीक रहेगा। और सो फ्रेंड्स, हमने जो है डिसाइड कर लिया है कि हम लोग रोटा रोड वाले से जाएंगे और आगे बाईपास से जो है बागपत रोड पे जाएंगे, ताकि हमें वहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आज हम जा रहे हैं देवो का देव पूरा महादेव टेम्पल, जो कि मेरठ ज़िले में ही पड़ता है और बागपत के बॉर्डर पर पड़ता है। तो यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप मेरठ होके भी जा सकते हैं, या तो आप चाहें तो बागपत से भी आ सकते हैं। मेरठ से भी उतनी दूर पड़ता है और बागपत से भी उतनी दूर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हर बार की तरह मैं भी सोचा था संडे में कहीं जाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कहाँ जाऊँ, क्योंकि पैंथर ऑलरेडी अपनी जो है वो क्रैश हो चुकी है, तो जिसकी वजह से उस पर जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए जो है मम्मी ने बोला कि चलो आज मंदिर चलते हैं, तो आज मैं और मेरी मम्मी हम दोनों लोग साथ में जा रहे हैं पूरा महादेव। तो इसी बहाने एक राइड भी हो जाएगी और भगवान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के साथ साथ भगवान को भी मानना बहुत ही ज़रूरी है और वहाँ की काफ़ी मान्यताएं हैं। और जब ये सावन होता है, तो सावन के टाइम में जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं, तो वह जलाभिषेक भी वहीं पे ही होता है और बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो वहाँ की जो भी मान्यताएं हैं, मुझे अभी सारी क्लियर पता नहीं है, मैं वहाँ पे पता करके आपको आगे बताऊंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बताने में काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब हम लोग आ चुके हैं रोटा रोड के फ्लाईओवर पे और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हम, और लेफ़्ट लेके हम आगे बागपत रोड पे पहुँचेंगे और वहाँ से राइट लेंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया, मैं इस वाले रोड से इसलिए आया हूँ क्योंकि बागपत रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और हमारा जो बहुत ज़्यादा टाइम जो वहाँ पर खर्च हो जाता है, तो इस वजह से मैं इधर से आया हूँ। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पर आने में, 10:44 हुआ है और 10:25 पर अराउंड हम घर से निकले थे। हमें सिर्फ 20 मिनट लगे हैं और 20 मिनट में हम यहाँ रोटा रोड फ्लाईओवर पर आ चुके हैं, और यहाँ से समथिंग रह जाएगा करीब। और ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये जो रोड है, ये रोड सीधे डायरेक्ट हरिद्वार के लिए जाती है और हरिद्वार से इधर दिल्ली के लिए है। ओह, यहाँ भी ट्रैफिक लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा ही ट्रैफिक है, निकल जाएंगे जल्दी से हम। हम वैसे भी डेली करते हैं, बट जो संडे में राइड करते हैं, उस संडे की राइड का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो कि। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं पूरा महादेव। मैं पहले भी गया हुआ हूँ इस टेम्पल, लेकिन तब मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। आज मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें घूमूँ और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँ। जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से दिल्ली जो है वो 60 किलोमीटर है और बागपत जो है 40 किलोमीटर है। यहाँ से हम नीचे से ही फ्लाईओवर के नीचे से राइट होंगे और फिर हम पूरा महादेव जाएंगे। यही रोड है जो कि वहाँ मंदिर के लिए जाती है, और उधर से अगर आप बागपत रोड की साइड से आते हैं, तो उधर से ही आप इस वाली रोड पे आके वहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये ऊपर फ्लाईओवर है, हमें ऊपर नहीं जाना, हमें यहाँ पे नीचे जाना है, क्योंकि नीचे से हमें आगे से राइट में टर्न लेना है।
यहाँ से हम लेंगे टर्न। ओ माय गॉड, यहाँ तो शायद पानी भरा हुआ है। अब हम हाँ चलो बता रहे हैं, यहाँ पे ये पानी हमेशा ही भरा रहता है, यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे कॉप्स खड़े हुए हैं चेकिंग करने के लिए। ये है कुछ बागपत रोड, पहले बहुत ही ख़राब था लेकिन काफ़ी अच्छी रोड बन चुकी है। यहाँ से हम गाज़ियाबाद भी जा सकते हैं, सोनीपत, बागपत सारे इसी रोड से जाएंगे। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ रोड कितनी मक्खन मलाई है। ये इस रोड पे शायद आज मैं तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ जब से ये रोड बनी है। इस साइड मेरा आना बहुत ही कम होता है क्योंकि इधर कहीं हमारा जाना नहीं होता है। ओहो, मजा आ गया गाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ का। तो चलिए अभी हम इस वाले रास्ते से चलते हैं नीचे और फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का व्यू। गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज धारा चल रही है। और ये जो गंगा जी आती है ये हरिद्वार वाली गंगा जी है जो कि हम लोग हरिद्वार जाते हैं वहाँ पे नहाते, वही वाली गंगा जी यहाँ से होते हुए छोटा हरिद्वार होके आगे को जाती है। सो गाइज आप यहाँ का पानी का फ्लो देख सकते हैं कितना ही तेज पानी का फ्लो आ रहा है। और यहाँ से नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नीचे जाने के लिए देखिए रास्ता नहीं है, है आगे की साइड है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा बिल्कुल भी नीचे जाके। पता चला जरा सा नीचे बैठ जाओ, तुम्हारे भाई को तैरना वैसे ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा व्यू लगा तो इस वजह से मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया मछली पकड़ रहे हैं बैठ के और सारा का सारा यहाँ से ये पानी निकल रहा है। आगे यहाँ पे इन्होंने डैम टाइप का लगाया हुआ है और इससे पहले पड़ता है भोले की जाल, वहाँ पे भी डैम है, वहाँ पे आई थिंक इलेक्ट्रिक प्लांट है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो चलिए चलते हैं अब आगे मंदिर पे। चलिए फ्रेंड्स हमने नीचे देख लिया, आप चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट आगे मंदिर। और फिर क्योंकि टाइम होने वाला है, यहाँ पे बज गए 11:07, फिर मंदिर बंद होने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी से आगे चलते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे फ़ोन को कर लिया है माउंट और यहाँ पे मैंने मैप लगा लिया है। यहाँ से देखिए दो रास्ते दिखा रहा है, एक थोड़ा सा आगे से रास्ता है जो कि 11 किलोमीटर का पैच है बट वो गांव के अंदर से होके जाता है, और दूसरा है 14 किलोमीटर का पैच अभी यहाँ से। तो हम ये सीधे वाले रास्ते से चलेंगे 14 किलोमीटर वाले पैच से, क्योंकि गाँव के अंदर से जाना थोड़ा सेफ नहीं लग रहा मुझे क्योंकि रोड की कंडीशन ख़राब होती है अंदर की। और यहाँ से हमें सीधे जाना है और सीधे जाने के बाद से आगे राइट टर्न लेना है। और यहाँ पे खड़े होकर जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ा हो रहा था तो जो पानी की बौछार थी वो सारी मेरे ऊपर आ रही थी नीचे के साइड, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे इतनी थोड़ी देर रुक के, काफ़ी रिलैक्स सा फील हुआ। और बाकी अब जाते हैं मंदिर क्योंकि टाइम हो चुका है, बस मंदिर बंद ना हो जाए क्योंकि 11:15 यहीं पर हो चुके हैं हमें। फ्रेंड्स मैं पहले बताना भूल गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज भी था, ये जो टेंपल है ये जो है बागपत ज़िले में लगता है, मेरठ में नहीं लगता है क्योंकि अभी हमने पीछे जो है मेरठ स्टेट की जो है वो लाइन क्रॉस की है। और अब हम लोग बागपत में एंटर हो चुके हैं और हम बलेनी आ चुके हैं, और बलेनी से ही राइट हैंड पर रास्ता कटा हुआ है जो कि हमें डायरेक्ट मंदिर पर जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 900 मीटर रह चुका है, यहीं से आगे हमें राइट लेना है और उसके बाद आगे देखते हैं कितना है। और आई होप यहाँ पे जो है मुझे राइट लेके चलना पड़ेगा रॉन्ग साइड में ताकि हम आगे से वो कर सकें। चलिए पीछे देखते, पीछे तो कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ से रॉन्ग साइड में ले लेते अपनी बाइक को और अब रॉन्ग साइड में चलेंगे क्योंकि 400 मीटर आगे हमें राइट लेना है। अब पता नहीं कट है या नहीं है, है शायद कट भी था वहाँ पर, मैंने पहले ही गलत ही रॉन्ग साइड में ले लिया है, बट कोई नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमें ये भी बताने लगा 240 मीटर के बाद से राइट है, यहाँ से लेते हैं राइट। एक्चुअली मैं गूगल पे थोड़ा कम भरोसा करता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा था गूगल गलत रास्ता दिखाता है। ओह यहाँ तो ये फंसा दिया इन्होंने लाके और ये टाइम लगाएगा यहाँ पे। चलो साइड से, अगर रास्ता साइड से निकलते हैं
और यहाँ से 4.5 किलोमीटर रह गया है टेम्पल। ये तो हमें ओवरटेक करने का मौका भी नहीं दे रहा है, बट कोई नहीं, कभी कभी देगा। दुर्घटना से देर भली, हम थोड़ा आराम से ओवरटेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो मिल गया मौका। आप सामने देख सकते हैं, जैसे पता नहीं मेरे जगह में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सामने जो है वहाँ पे मंदिर हमें दिखने लगा है और हम पहुँच भी चुके हैं। ये मंदिर ही है सामने, ये जैसे गेट है और यहीं पे कहीं पे पार्किंग है, यहीं पे हम बाइक अपनी पार्क करेंगे, फिर आगे मंदिर के दर्शन करेंगे। जय, यहीं कहीं पे पार्किंग का होगा, कहीं पे पार्क करेंगे बाइक शायद। चलो यहीं लगा लो। गेट का कहाँ है? पीछे का खुल रहा है। चलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लेते हैं प्रसाद, यहाँ पे सामने प्रसाद लेंगे। फ्रेंड्स इस मंदिर में दो जाने के रास्ते हैं, एक तो ये सामने वाला रास्ता है और एक इधर के साइड से रास्ता था, बट वाला रास्ता हमारे कुछ काम चल रहा है जिसके से बंद कर रखा है, तो अभी वाला रास्ता ओपन हुआ है, तो हम इस वाले रास्ते से अंदर को जाएंगे इस वाले गेट से, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर। गेट के अंदर ये पार्किंग है जो कि फ्री पार्किंग है, आप यहाँ पर अपने व्हीकल को खड़ा कर सकते हैं। ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पार्किंग है, यहाँ पर पार्क है। और ये वाला एंट्रेंस है इसका जो कि ओपन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ मंदिर का एंट्रेंस है, मुझे लगता है नया कंस्ट्रक्शन है, पहले नहीं था ये। Your destination is on the left. जैसे ही मंदिर के अंदर मैं गया और अंदर जो है मुझे काफी भीड़ नजर आने लगी थी, और जैसे ही थोड़ा सा आगे चला तो मुझे ये मंदिर मिल गया था जो कि मेन मंदिर शिव जी का था। यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ थी, आप यहाँ पे वीडियो और फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए और मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद हम लोग मंदिर को पूरा घूमे। काफ़ी अच्छा मंदिर था, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्राचीनता जो है वो हमें एहसास होने लगी थी जाते ही। प्रसाद खा रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना हुआ था यहाँ का, सब्जी पूड़ी खीर और रायता था। और फिर वहाँ पे हमने अपने पत्तल उठाए और बाहर डस्टबिन में डाला, डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे पानी पिया और पीछे के साइड के छोटे छोटे मंदिर के दर्शन करने निकल पड़े थे। यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया तो ये एक हॉल सा था, इसी में ही कई सारी मूर्तियाँ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे थी। हमने सबके दर्शन करे, दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर से बाहर चल दिए थे। मंदिर के दर्शन हमें काफ़ी अच्छे हो चुके थे क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ सावन में भीड़ होती है, इसके अलावा भीड़ नहीं होती है।
क्योंकि आज संडे था, इस वजह से भी हो सकता है भीड़ कम हो, और कल सोमवार होगा तो हो सकता है भीड़ कल ज़्यादा हो। अब बारी आती है हमने जो प्रसाद ग्रहण किया था तो उसका कर चुकाने का। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे हमें यहाँ पे दानपात्र रखा हुआ मिलता है और साइड में पर्चियाँ भी कटती हैं। तो हमने गुप्त दान किया, हमने जो है पर्ची नहीं कटाई। गुप्त दान करने के बाद हम लोग मंदिर से एक्सिट हो चुके थे, जो कि पीछे वाले ही रास्ते से, जिस रास्ते से हम लोग गए थे उसी रास्ते से हम लोग वापस आ चुके थे। सो फाइनली व्यूअर्स, हम लोग जो है अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर के बाहर, और हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी बाइक पार्क की थी। तो दर्शन तो बहुत अच्छी तरीके से हो गए, भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और दर्शन करने के बाद फिर हमने आगे वहाँ पे भंडारा हो रहा था, भंडारे का प्रसाद लिया और प्रसाद लेके थोड़ा घूमे, घूम के सारे मंदिरों के दर्शन करके फिर हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने यहाँ तक देखा तो कॉमेंट से बात है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग डायरेक्ट मेरठ जा रहे हैं, और आज का ब्लॉग तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।